So, the chapter one is physical world. We will get introduction about the physical world. ठीक है, physical world होता है क्या है ये बताएंगे अपन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या हमें पता चलेगा? पहली चीज़ पता चलेगी कि फिजिक्स क्या होती है। दूसरी चीज़ पता चलेगी स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप मतलब कि क्या होगा फिजिक्स में, क्या होता है फिजिक्स में, क्या हो सकता है फिजिक्स में। और एक्साइटमेंट मतलब कि मारक मज़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, 1.3। फिर फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की, फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को कैसे फ्रेम करती है, कैसे रीफ्रेज करती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो कुछ नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिकल लॉज क्या होते हैं। फिर समरी देखेंगे और फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो पढ़ना शुरू करते हैं। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। हम सब इंसान हैं और इंसान हमेशा क्यूरियस रहता है उसके आसपास की चीज़ों को जानने समझने के लिए। ठीक है, द नाइट स्काई विथ इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैज़ फैसिनेटेड ह्यूमन सिंस द टाइम इन मेमोरियल। तो रात में जो काला आसमान होता है उसमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आ गए उसको देख के लोग हमेशा फैसिनेट होते हैं। तो कब से, मतलब अनादिकाल से। द रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ द डे एंड नाइट, द एनुअल साइकिल्स ऑफ सीजन्स, द एक्लिप्सिस, द टाइड्स, द वेल्केनोस, द रेनबोज हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ वंडर। तो दिन और रात कैसे हो जाते हैं ये हम जानना चाहते हैं, रेनबो कैसे बन जाता है ये जानना चाहते हैं, वॉल्केनोज एरप्ट कैसे होते हैं, टाइड्स कैसे चलती हैं, ग्रहण कैसे पड़ जाते हैं, ये सब जानना चाहते हैं। ये वंडर ऑफ साइंसेज है। तो द वर्ल्ड हैज़ एन एस्टोनिशिंग वेराइटी ऑफ मटेरियल्स एंड ए बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड ऑ ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज। तो इसका आंसर ह्यूमन ने इमेजिनेटिव और इंक्वायरिंग वे में निकाला है, और अलग अलग तरीके से, ऑफुल ऑफुल मतलब कि ऑ वाला, वंडरफुल वाले तरीके से बताया है। वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स हैज़ बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल एनवायरनमेंट केयरफुली। क्या पहले एक टाइप का रिस्पॉन्स पहले क्या था कि बैठ के और यहाँ समाधि जमाओ और ऑब्जॉर्व करो कि बाहर हमारे सामने क्या क्या घटित हो रहा है, देखते रहो उसको। लुक फॉर अ मीनिंगफुल पैटर्न, एक कोई पैटर्न पकड़ लो काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व करते करते, एंड रिलेशंस इन द नेचुरल फिनोमिना। और फिर कुछ रिलेशन देखो कि हाँ भाई इवापोरेशन होता है तभी बारिश होती है, एंड बिल्ड एंड यूज़ न्यू टूल्स टू इंटरेक्ट विद द नेचर। और फिर उसके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें बना दो कि उसके प्रकार से कुछ नया इन्वेंशन कर डालो। सो दिस ह्यूमन एंडीवर लेट इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी चीज़ को टाइम के साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए अब मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक पहुँच चुके हैं। सो द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेटिन वर्ब साइंटिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानने के लिए। द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरेबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग, नेमली नॉलेज। विज्ञान का मतलब भी नॉलेज होता है और इल्म का मतलब भी नॉलेज होता है। सो साइंस इन अ ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीशीज। तो भाई साइंस कितना पुराना है, ये मान लो जब से इंसान है सब तब से साइंस है। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मैनी अदर्स मेड वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इट्स प्रोग्रेस। इजिप्ट की सोसाइटी हुई है, इंडिया की, इंडस सिविलाइजेशन हुआ है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इन सब सिविलाइजेशन ने बहुत वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है साइंस के इवोल्यूशन के लिए। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ग्रेट स्ट्राइड्स वर मेड इन साइंस इन यूरोप। 16th सेंचुरी के बाद से यूरोप में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न साइंस का वो होने लग गया है इवोल्यूशन। बाय द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी साइंस हैड बिकम अ ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज। 20th सेंचुरी के बाद तो फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन साइंस की वजह से ही आया है। सो विथ मैनी कल्चर्स एंड कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स रैपिड ग्रोथ। तो 20th सेंचुरी के बाद तो फिर एकदम कलयुग आ गया। कलयुग का मतलब इंडस्ट्रियल,
कल काल खार, कल खार खार ने होते हैं ना जो, तो ये कलयुग मतलब कि साइंस वाला योग है। दिस कल रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ साइंस की एवोल्यूशन की वजह से आए हैं। ठीक है, सो व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है, इसके बारे में अपन जानना चाहते हैं। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। तो साइंस क्या है, साइंस भाई सिस्टमेटिक अटैम्प्ट है। सिस्टमेटिक मतलब कुछ सिस्टम है उसमें, कुछ रैंडम नहीं कुछ भी। तो सिस्टम सिस्टमेटिक अटैम्प्ट है किस चीज़ को समझने का, नेचुरल फिनोमिनन को। तो ऐसा समझ सकते हैं साइंस इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिनन्स, जितनी ज़्यादा डिटेल में हम उनको पता कर सकें। एंड यूज द नॉलेज टू गेंड टू सो गेंड टू प्रेडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। तो बोला कि अब एक बार हमको पैटर्न पकड़ लिए हमने नेचर के, तो फिर उस नेचर को पैटर्न को हम अच्छे से लिख के समझ के फिर से उस नेचुरल फिनोमिनन को कंट्रोल करने के लिए फिर से यूज़ करके कुछ नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। सो दिस इज साइंस। द साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम वॉट वी सी अराउंड अस। मतलब साइंस क्या है, साइंस इज़ नथिंग बट एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम वॉट वी सी अराउंड अस, जो हम आसपास देखते हैं उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए प्रिडिक्ट करना क्यों हो रहा है ये। ठीक है, द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अनरैवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है साइंस के प्रति, क्यूरियोसिटी टू लर्न। तो सबसे पहले हमें क्यूरियस होना पड़ेगा अगर हम साइंस को समझना चाहते हैं। तो मतलब हमें मज़ा आना चाहिए कि जब मटके में पानी ठंडा हो जाता है तो क्यों हो जाता है, मटके में ही क्यों हो रहा है, घघरे में क्यों नहीं हो रहा है ना। तो क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड में, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके सब देखते हैं। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन पहला है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। तो पहले मतलब बैठ के आराम से तुमने नेचर को सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, पूरा मेथड वेथड स्पेसिफाई करके कौन सी चीज़ कितने ग्राम लेनी है, पूरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट देखा। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो क्वालिटेटिव रीजनिंग जैसे कि अगर करंट को बढ़ाया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये क्वालिटी है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि 2 एम्पियर से बढ़ाया अगर करंट को, मतलब डबल किया अगर 4 टाइम्स किया करंट को, तो वोल्टेज भी 4 टाइम हो जाएगा। तो ये क्वांटिटेटिव है। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। उसके बाद फिर मैथमेटिकली मॉडल किया, जैसे वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इज़ इक्वल्स टू आई आर, ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। तो 3 चीज़ें कर रहे हैं अपन, या तो प्रिडिक्शन, या तो वेरिफिकेशन, या तो फॉल्सिफिकेशन। किनका, जो भी हमने थ्योरी मानी है। जैसे हमने क्या थ्योरी मानी थी, हमने थ्योरी मानी थी कि करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ये थ्योरी थी। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करके, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजन करके, मैथमेटिकल इक्वेशन बना के फिर हम फाइनल कंक्लूजन करेंगे कि हाँ भाई सही है, या भाई हाँ जो हमने शुरुआत में माना था वो सही है, वेरीफाई हो गया, या शुरुआत में जो माना था वो गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन से फॉल्स कर दिया उसको। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है साइंस के, साइंटिफिक मेथड के। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर।
स्पेकुलेशन एंड कॉन्जेक्चर। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि मतलब तुक्का मारना, है ना। एंड कॉन्जेक्चर का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना। तो स्पेकुलेशन एंड कॉन्जेक्चर ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस, बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाय रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मान लो, अज्यूम कर लो कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो उसको भी हम साइंस में जगह देते हैं उस चीज़ को भी। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल अगर उसको एक्सेप्टेड होना है तो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से वो वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। देर इज मच फिलोसॉफिकल डिबेट अबाउट द नेचर और मेथड ऑफ साइंस दैट वी डी नॉट डिस्कस हेयर। तो बोल रहा है कि और फिलोसॉफिकल डिबेट भी है नेचर और मेथड ऑफ साइंस के लिए, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोसेस ऑफ साइंस। तो बोल क्या कि थ्योरी और ऑब्जर्व, थ्योरी मतलब जो हमने ऐसा माना है किताबों में, है ना। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अ थ्योरी, लेकिन वो रियल लाइफ में अप्लाई होता है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन। तो उनका इंटरप्ले, कितने लोग सही हैं, कितने मतलब कितनी थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस मैच कर रहे हैं, ये साइंस की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अच्छा, साइंस इज एवर डायनामिक, मतलब साइंस कभी रुकती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आज हमने कोई चीज़ जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो मॉडिफाई होकर थोड़ा और परफेक्शन की तरफ बढ़ जाए। सो देर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। तो फाइनल थ्योरी जैसी कुछ नहीं होता है, मतलब कि अभी तक जो हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी तक का है, इसके बाद कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। एज ऑब्जर्वेशंस इम्प्रूव इन डिटेल एंड प्रिसीजन और एक्सपेरिमेंट्स यील्ड न्यू रिजल्ट्स, थ्योरीज मस्ट अकाउंट फॉर देम इफ़ नेसेसरी। तो बोला कि अगर ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव हुए तो फिर उसमें कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रेसीजन से के साथ नए रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफिकेशन, तो जैसे तुमने अभी पढ़ा नहीं है वैसे पढ़ोगे, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये थ्योरी दी है एक ने, तो मतलब एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ने कहाँ कहाँ के लॉ मिलके ये बना। फिर बाद में वंडरवॉल आया, उसने कहा कि नहीं ये इतना परफेक्ट बहुत ही कम गैसेस के लिए और बहुत ही रिफाइंड टेम्परेचर, एक कन्फाइंड टेम्परेचर के लिए ही वैलिड है। उसने कहा हम करेक्शन फैक्टर लगा देंगे, तो प्रेशर प्रेशर में कुछ करेक्शन फैक्टर लगाया उसने। सिमिलरली वॉल्यूम में करेक्शन फैक्टर लगा दिया, तो पी इंटू वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। मतलब कि इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। सिमिलरली जो न्यूटन ने स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दी थी, उसका एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अभी हमें नहीं पता, पता चलेगा आगे चल के, ठीक है। तो एक फॉर्मूला दिया उसने, लेट्स से वो फॉर्मूला वन था। तो लैपलेस ने कहा वो फार्मूला गलत है। अच्छा मैं लिख देता हूँ अगर नहीं भी पता चले। तो उसने बोला था पी बाय रो द डेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अंडर रूट पी बाय रो। तो लैपलेस ने एक करेक्शन फैक्टर लगाया था यहाँ पे, उसने बोला था स्पीड ऑफ लाइट इज गामा पी बाय रो, ठीक है। तो ये करेक्शन फैक्टर उसने कुछ लगाया था। तो मतलब अगर एक्सपेरिमेंटली थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए कि जो थ्योरी आई है वो मैच नहीं कर रही है ऑब्जर्वेशन से, रियल लाइफ सिचुएशन से, तो कोई उसमें कुछ करेक्शन फैक्टर लगा के मॉडिफाई कर सकता है इस इक्वेशन को, ठीक है। समटाइम्स द मॉडिफिकेशंस मे नॉट बी ड्रास्टिक एंड मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी। उसने कहा कि ऐसा कभी हो सकता है कि थ्योरी जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी से मिलता जुलता फॉर्मूला ही है ये, इसके लिए हमें कुछ नई थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, प्रेशर वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा। तो दीज मे नॉट बी ड्रास्टिक, ड्रास्टिक नहीं होते ये, और मे लाई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसी में आसपास हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जोहानस कैपलर एग्जामाइंड द एक्सटेंसिव डेटा ऑन प्लानिटरी मोशन कलेक्टेड बाय टाइको ब्रहे, द प्लानिटरी सर्कुलर ऑर्बिट्स इन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इमेजिन्ड बाय निकोलस कॉपरनिकस हैड टू बी रिप्लेस बाय एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स टू फिट द डेटा बेटर, ठीक है। तो क्या हुआ था,
टाइको ब्रहे एक आदमी था, उसकी थ्योरी क्या थी? उसकी थ्योरी थी कि जो सूरज है वो सेंटर पे, और सन सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। प्लैनेट्स मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड द सूरज, ठीक है। तो जब उसने एग्जामिन किया तो उसने सोचा कि अगर ये रियलिटी से मैच नहीं कर रहा था उसका डेटा, अगर इस सर्कल की जगह हम इसको रिप्लेस कर दें प्लैनेट एलिप्स से, तब ये मैच कर रहा था। तो उसने क्या किया, बस थ्योरी में सर्कल की जगह एलिप्स कर दिया। ये बात समझ में आई? मतलब इनफैक्ट हम जैसे पूरी थ्योरी सर्कल के लिए पढ़ लें और बाद में पता चले कि यार सर्कल नहीं, वो तो एलिप्टिकल राउंड में घूमते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस और समझ लेंगे उसके बजाय, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो ओकेजनली हाउएवर द एग्जिस्टिंग थ्योरी सिंपली अनेबल टू अंडर एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशंस। तो कभी कभी एग्जिस्टिंग थ्योरी नए ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। सो दिस कॉजेज मेजर अपहीवल इन साइंस। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी इट वॉज रियलाइज दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स टिल देन अ वेरी सक्सेसफुल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ एटॉमिक फिनोमिनन। तो 20th सेंचुरी के पहले शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि न्यूटन की मैकेनिक्स, जो न्यूटन ने नियम बनाए थे, वो एप्लीकेबल होते थे हर जगह, लेकिन कुछ कुछ एटॉमिक बेसिस की चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ये, तो इसलिए न्यूटन की थ्योरी उतनी काम नहीं आई, नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ गई जिसे बोलते हैं अपन क्वांटम मैकेनिक्स। सो सिमिलरली द देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकली न्यू थ्योरी विच इज़ क्वांटम मैकेनिक्स टू डील विथ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिनोमेना। तो नई न्यूटोनियन मैकेनिक्स से काम नहीं चला 20th सेंचुरी के बाद। एटम्स के को एक्सप्लोर करने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करनी पड़ी। सो जस्ट एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थियोरेटिकल मॉडल, अ थियोरेटिकल एडवांस में सजेस्ट वॉट टू लुक फॉर इन सम एक्सपेरिमेंट्स। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल इन 1911 बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, 1871 से 1937 तक जी आई ए, एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। हर्षित हर्षित हर्षित, पंप बंद कर दिया, पानी पानी बंद कर दिया, ठीक है। सो जस्ट एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थियोरेटिकल मॉडल, अ थियोरेटिकल एडवांस में सजेस्ट वॉट टू लुक इन सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल। तो अब क्या बोल रहा है ये कि जो थ्योरी चलती हुई आ रही थी उनको चेंज करके हम कुछ नई नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर थॉमस का आया था, उसने क्या बोला था, थॉमसन ने, थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर आया था, उसने कहा था कि तरबूज की तरह होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीज की तरह होते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था ना, ऐसा नहीं होता, तरबूज की तरह नहीं होता, ये किसकी तरह होता है, ये एक ऐसा न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके अराउंड ये घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे बताया उसने, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके बताया रदरफोर्ड ने ना। तो उसने न्यूक्लियर मॉडल बनाया कि भाई न्यूक्लियस होता है बीच में। सो विच देन बिकेम द बेसिस ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन इन 1913 बाय नील्स बोर। तो फिर बोर मॉडल आ गया कि हाइड्रोजन एटम के लिए उसने बोर मॉडल बता दिया। ऑन द अदर हैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड थियोरेटिकली बाय पॉल डायरेक। तो ये तो पार्टिकल वाला चक्कर था, एंटी पार्टिकल वाला चक्कर किसने थियोरेटिकली इवॉल्व किया, पॉल डायरेक ने, एंड इन 1930 एंड कन्फर्म 2 years लेटर बाय एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन बाय कार्ल एडनसन। तो बोले कि देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब जो हम आज की डेट में देख रहे हैं वो इवॉल्व स्ट्रक्चर है कई दशकों का, मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बना दिया होगा, प्लैंक ने इक्वेशन लिख दी होगी, ऐसा नहीं था। ऐसे दशकों तक किसी ने बनाया, फिर वो मतलब ज़िंदगी भर काम करते करते मर गया पूरी तरह बनाया, मतलब थॉमसन ने केवल इतना ही सोचा था, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस था। तो वो एक्सपेरिमेंट करके बोला कि एम्प्टी स्पेस है तो नया मॉडल बनाना पड़ेगा,
तो फिर अपने रदरफोर्ड ने बना दिया, जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन वो भी कोई कोई चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो फिर नई थ्योरीज बनाते चले गए। तो ऐसे ऐसे जो हमारे पास अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो है अब जो है सो, और भी इवॉल्व होगा धीरे धीरे, जो भी उसमें कमियाँ रहेंगी। सो फिजिक्स इज़ अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंसेज विच ऑल्सो इंक्लूड्स अदर डिसिप्लिन लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो क्या है भाई फिजिक्स? फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर है, जिसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आता है, ठीक है। सो द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। तो फिजिक्स वर्ड की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है नेचर। इट्स संस्कृत इक्वलेंट इज भौतिकी, दैट इज़ यूज टू रिफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। भौतिकी मतलब भौतिकवाद, मतलब कि बाहर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया नहीं, बाहर की दुनिया। तो बाहर की दुनिया को स्टडी करने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए भौतिकी का इस्तेमाल किया जाता है। अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। मतलब और गहराई से बस आइडिया ले सकते हो इसका, इतनी गहराई में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। तो हम फिजिक्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फिजिक्स द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है? कि उसको घुसा देना हो, कि पहले स्टडी किया हमने बेसिक लॉज ऑफ नेचर को, उसको मॉडिफाई करके मैनिफेस्ट कर दिया, यानी कि उसको किसी यूजेबल फॉर्म में तब्दील कर दिया नए नेचुरल फिनोमिनन समझने के लिए। सो द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन द नेक्स्ट सेक्शन। हेयर वी रिमार्क ऑन द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। अब हम स्कोप तो डिफाइन है अगले सेक्शन में, इस सेक्शन में क्या देख रहे हैं? अब दो नए वर्ड्स देखते हैं फिजिक्स से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल थ्रस्ट, मतलब कि ये प्रिंसिपल थ्रस्ट का मतलब होता है कि ये आग है, मतलब फिजिक्स की, है ना, कि ये चीज़ हम जानना चाहते हैं फिजिक्स के माध्यम से। तो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, तो इन दो वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे अपन डिटेल में। सो इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस, ठीक है। द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशंस। सो फिजिक्स में हम क्या पढ़ना, क्या करना चाहते हैं? हम अटैम्प्ट करना चाहते हैं टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। तो हम चाहते हैं एक दो कॉन्सेप्ट बनाएं और उससे नेचर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएँ, है ना। मतलब एक दो कॉन्सेप्ट बनाएं और बहुत सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन हो जाएँ, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। गागर में सागर भरना चाहते हैं, मतलब कि वो एक इक्वेशन पूरे वर्ल्ड की हर चीज़ को बता दे कि हाँ भाई कौन सी चीज़ क्या होगी, ऐसा कुछ चाहते हैं हम। सो दैट इज़ यूनिफिकेशन। सो द एफर्ट इज़ टू सी द फिजिकल वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाई न्यूटन डिस्क्राइब्स द फॉल ऑफ एन एप्पल ऑन टू द ग्राउंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो बोले कौन सा लॉ है? एक न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन वाला। सेम लॉ एक्सप्लेन करता है कि भाई एप्पल कैसे गिर रहा नीचे, सेम लॉ एक्सप्लेन करता है कि मून कैसे घूम रहा अर्थ कह रहा हूँ, और सेम लॉ एक्सप्लेन करता है कि प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं सन कह रहा हूँ। सिमिलरली द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल्स इक्वेशन गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। सिमिलरली चार जो इक्वेशन है मैक्सवेल की, वो सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन को एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे, मैं चार मैक्सवेल इक्वेशन तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ, तो ताकि बस तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया लग जाए जब हम पढ़ें कि भाई मैक्सवेल इक्वेशन होती क्या है। तो फोर मैक्सवेल इक्वेशन, तो अभी तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि क्या लिख रहा हूँ, बस एक फोटोग्राफिक इमेज बनानी है कि क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चार इक्वेशन होती हैं सबसे पहले तो, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होती हैं और दो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती हैं। दो लाइन इंटीग्रल होती हैं और दो एरिया इंटीग्रल होती हैं।
दो सरफेस इंटीग्रल होती हैं और दो लाइन इंटीग्रल होती हैं। ये बहुत सिंपल होती हैं। अभी तो मैं बिल्कुल ये सिंबल्स ऐसे लग रहे होंगे कि तो नाच रहे हैं, लेकिन तुम समझ जाओगे जब पढ़ोगे। तो ये क्लोज इंटीग्रल है। तो ई डॉट डी एस होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बी डॉट डी एस होता है ज़ीरो। ई डॉट डी एल होता है माइनस डी फाई बी बाय डी टी, और बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, ठीक है। ये चार इक्वेशन मैक्सवेल ने कंपाइल की थी, मतलब चार अलग अलग लोगों ने बताई थी। ये गॉस ने बताई थी, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बताई थी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये फेराडेस का लॉ था, और ये था अपने एम्पियर का लॉ। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, ये चार अलग अलग इक्वेशन थी मैक्सवेल ने कंपाइल की, ठीक है। चार अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे बनाई थी ये सब इक्वेशन, लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया, इन सबको कंपाइल करके पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दे दी। मींस दीज फोर इक्वेशन आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लेन ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, है ना। जैसे न्यूटन का लॉ क्या था, ऊपर जो एग्जांपल पढ़ा हमने, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ इज एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। जैसे ये एक इक्वेशन थी न्यूटन की, वैसे ये चार इक्वेशन है यहाँ पे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब कि ये समझ लो ये एक पूरी बुक बनती है, मैक्सवेल की चार इक्वेशन पे पूरी बुक बनती है। पूरी मतलब 12th का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, तब जाके ये सब समझ में आएगा, मतलब, है ना। तो जस्ट अभी बस एक आइडिया लेने के लिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने लिख दी इसको, ताकि तुम जब हमारे सामने असली में आए, जैसे बचपन में बोलते ना शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, बच्चों को बोलते हैं शेर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब उनके सामने शेर आ जाए तो वो समझ जाएंगे हाँ शेर है ये। तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताते जाऊँगा कि शेर क्या होता है, तो डरने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, बस ताकि हमारे सामने पहले आए तो हमें ऐसा ना लगे कि ये कुछ अननोन चीज़ है। तो धीरे धीरे हम आगे की चीज़ें भी पढ़ते जाएंगे। तो बस वापस आ जाते हैं, अब इतना ही काफ़ी है। तो क्या बोल रहा है कि न्यूटन का फिनोमिनन बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है, वैसे ही मैक्सवेल की इक्वेशन भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है, एक सेट ऑफ इक्वेशंस। सो द अटेम्प्ट्स टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट द सेम क्वेस्ट फॉर यूनिफिकेशन। तो ये चाहते हैं कि मतलब इतने सारे फिनोमिन, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कुछ एक में ही बना दें, मतलब फिजिक्स का वो इस तरफ चल रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, सब एक ही मैकेनिक्स से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, एक ही टाइप के प्लेटफॉर्म से हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएँ। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन यूनिफिकेशन, ठीक है। तो अ रिलेटेड एफर्ट इज़ टू डराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर द प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स, दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो अब क्या बोल रहा है कि अ रिलेटेड एफर्ट इज़ टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम ऑफ पार्ट्स, दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो देखो इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उसमें गैस है, ठीक है। बॉक्स क्यूब, लेट्स से क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, उसमें गैस भरी हुई है। तो असल में तुम जानते हो गैस नहीं, गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की स्टडी करें, मतलब जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच के हम एक मॉलिक्यूल की स्टडी करें और उससे कंक्लूड कर दें कि ओवरऑल ये मॉलिक्यूल्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे जब यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, इसको बोलते हैं अपन रिडक्शनिज्म, कि हमने एक स्मॉल सब सेगमेंट की स्टडी की
और उससे पूरा जो मिलके सिस्टम बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्स की हम ओवरऑल स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह मिल जाए कहीं से दूसरे प्लैनेट्स की, थोड़ी बहुत स्टडी करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, है ना। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक ईंट की स्टडी की, ईंट से दीवार बन रही है, एक ईंट की स्टडी की कि भाई वो किस टाइप का मटेरियल है, क्या है, उसकी स्ट्रेंथ देखी, कितने कितनी ठोकर मारने पे वो टूट जा रही है, और फिर उससे कंक्लूड किया कि जो फाइनल दीवार बन के आएगी ऐसी हज़ारों ईंट के लगने से या करोड़ों ईंट की लगने से उसका क्या रवैया होगा, कि क्या वो हवा जो चल रही होगी उसको सह पाएगी, है ना। तो हम पूरी दीवार को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर के एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं और उसके मुताबिक पूरे सिस्टम के बारे में कंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म समझ गए हम, ठीक है। एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स, तो ये फिजिक्स के दिल की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी डील्स विद द वर्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वान्टिटीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। तो बोल रहा है कि थर्मोडाइनमिक्स इसका सबसे सॉलिड एग्जाम्पल है। तो थर्मोडाइनमिक्स 19th सेंचुरी में बनाया गया, ये भी हम 11th में पढ़ेंगे, 11th में एक चैप्टर है, 11th पार्ट 2 में, दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। तो वो किससे डील करता है, बल्क सिस्टम से। बल्क सिस्टम मतलब बड़े बड़े सिस्टम से। तो उनके सिस्टम के बारे में हम कंक्लूजन कैसे करते हैं, हम कंक्लूजन करते हैं उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के, जैसे टेम्परेचर, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब चीज़ें पढ़ के हम पूरे बल्क ऑफ सिस्टम को बता देते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरा एटमोसफियर की स्टडी करनी है, तो मैं एटमोसफियर में सब कुछ है, मतलब कितना, अगर पूरा वॉल्यूम देखो तो लगभग इनफाइनाइट वॉल्यूम है। तो अब पूरा एटमॉस्फियर तो ला के तुम लैब में रख नहीं सकते, तो क्या करोगे, थोड़ा बहुत कहीं से एटमॉस्फियर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेके आओगे, उसकी स्टडी करोगे कि हाँ भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या 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 है, कैसा क्या सब कुछ, और फिर उसके बाद कंक्लूड करोगे कि हाँ इस वजह से इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं नॉर्थ पोल पे, इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है इक्वेटर पे, इसलिए वो वहाँ से एयर, मतलब समझ रहे हो कि तुमने पूरा गए नहीं वहाँ पे, उड़े नहीं पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन कंक्लूड कर दिया थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के। सो इनफ साइड, सब्सिक्वेंटली द सब्जेक्ट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंटरप्रेटेड दीज क्वान्टिटीज इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बल्क सिस्टम। इन पर्टिकुलर द टेम्परेचर वॉज सीन टू बी रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो बोला कि आगे चल के ये बहुत डिटेल में देखने वाले हैं हम, कि ऐसे ही हमने क्या किया बाद में पता चलेगा ये सब, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। कि जैसे हमारे पास, हमने इनफाइनाइट जूम किया किसी रूम के अंदर गैस पार्टिकल्स देखने के लिए, तो गैस पार्टिकल्स होंगे, तो वो गैस पार्टिकल्स एक्चुअली चल रहे होते हैं इधर से उधर, तो उनके पास कुछ वेलोसिटी होती है, ½mv² काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी के वजह से टेम्परेचर जनरेट होता है, तो टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। ऐसे प्रोपोर्शनल नहीं लिखना चाहिए, बस ऐसे लिखना चाहिए कि टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। तो हमने क्या किया, हमने इन माइक्रोस्कोपिक एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ जो भी गैस है वो, उसकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया। टेम्परेचर तो एक बल्क फिनोमेना है ना। तो ये चीज़ हम समझ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब कितना एक्साइटमेंट होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी पढ़ना शुरू करते हैं। सो वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ द बेसिक ऑफ द स्कोप ऑफ फिजिक्स बाय लुकिंग एट इट्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स। तो अब हम देखना चाहते हैं कि फिजिक्स के अंदर के सब डिसिप्लिन्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, दो डोमेन होते हैं बेसिकली, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क प्रॉपर्टीज़ देखना, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ देखना, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि अंदर घुस के एटॉमिक लेवल पे देखना। सो द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिनन एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। द
The microscopic domain includes atomic, molecular, and nuclear phenomena. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्टार लगा हुआ है, जो जहाँ पे भी ऐसा स्टार लगा रहता है ना, उसका डिटेल पेज के लास्ट में दिया रहता है। तो इस स्टार ने कुछ नई खबर दी। रिसेंटली द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक द सो कॉल्ड मीजोस्कोपिक फिजिक्स डीलिंग विथ टर्म्स विथ डीलिंग विद अ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम्स हैज़ इमर्ज एन एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च। तो उसने कहा कि वैसे तो लिखा उसने कि माइक्रोस्कोपिक मतलब कि सेलिस्टी सॉरी माइक्रोस्कोपिक मतलब एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल की स्टडी कर रहे हैं उसको माइक्रोस्कोपिक बोल रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़े बड़े चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल लेवल। मतलब इनके बीच में भी एक नई चीज़ इवॉल्व हो गई है, दैट इज़ मीजोस्कोपिक। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार, मीजोस्कोपिक सही है। तो ये किस लेवल के, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटम्स। की स्टडी करना इसको मीजोस्कोपिक्स बोलते हैं। फ्यू टेंस एंड हंड्रेड, हंड्रेड एंड थाउजेंड नहीं, टेंस एंड थाउजेंड्स। टेंस एंड हंड्रेड्स इन फैक्ट। बस इतनी सी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विद माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनन एंड इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब कि 18th सेंचुरी से पहले वाली फिजिक्स जो डेवलप हुई थी और 19th सेंचुरी में भी डेवलप हुई, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मतलब कि थोड़ा सा पुराना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। सो मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसर्न्ड विद द मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बोला कि जो मैकेनिक्स है वो किस बेसिस पे डेवलप हुई है, वो न्यूटन के लॉज पे डेवलप हुई है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे डेवलप हुई है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे डेवलप हुई है, मोशन और इक्विलिब्रियम की वो रेस्ट पे आ जाए या चलते हुए डायनामिक इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, देखेंगे ये सब हम आगे। रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की स्टडी पे डेवलप हुई है और जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे डेवलप हुई है, कि मतलब मान लो सपोज हमने 100 बॉल्स एक साथ फेंक दी, तो अब वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं, वो तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो उनकी भी स्टडी करेंगे अपन मैकेनिक्स में। ठीक है, और आगे, द प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट बाय अ जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस, प्रोपलगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन एयर, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बेंट रॉड अंडर अ लोड एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स। तो इनको वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। तो प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट बाय जेट ऑफ इजेक्टिंग गैसेस, रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, रॉकेट फ्यूल इजेक्ट करता है तो उस पर एक थ्रस्ट लगता है, ऊपर जाता है, ये सब मैकेनिक्स में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स और साउंड वेव्स इन एयर, जैसे मान लो ये समंदर का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे हमने पत्थर फेंका तो लहरें ऐसी ऐसी उठने लगती हैं, स्टिल वाटर ऐसे ऊपर से देखेंगे तो लहरें ऐसे ऐसे प्रोपेगेट होने लगती हैं, ये सब मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों की। साउंड वेव भी ऐसी जाती हैं, ये पता है हमें, क्रस्ट एंड ट्रॉफ बना के। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बेंड रॉड अंडर लोड, कि जैसे मान लो एक रॉड रखी हुई है ऐसे धरती पे, उस पर हमने यहाँ पे कुछ वजन रख दिया, तो अब वो इक्विलिब्रियम में है, हाँ है, लेकिन थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो गिर जाएगी। तो इन सब चीज़ की स्टडी करेंगे अपन, कि कब कितना वजन सह पाएगी, कितना नहीं सह पाएगी, कब बकल हो जाएगी, ये सब मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैकेनिक्स का उसने बेसिक आइडिया दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट
इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। तो इलेक्ट्रोडायनामिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनन की स्टडी करेंगे। कुछ मैग्नेटिक फिनोमेनन कैसे याद आ रहे हैं अपन को, जैसे ये चुंबक रखी है यहाँ पे, या चुंबक छोड़ो सोलेनॉइड है एक, उसमें करंट बहाते हैं तो वो चुंबक बन जाता है, ये एक मैग्नेटिक फिनोमेनन है। वो ओम्स लॉ एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन था, बिजली जल जाती है सीरीज में लगाते हैं तो कुछ अलग सिस्टम ऑफ इफेक्ट देता है, पैरेलल में लगाते हैं रजिस्टर तो कुछ अलग सिस्टम ऑफ इफेक्ट देता है। तो ये सब अपने इलेक्ट्रोडायनामिक में आएगा, ठीक है। सो इट्स बेसिक लॉज वेयर गिवन बाय कूलम, ऑस्टर्ड, कैम नीचे होगा, एम्पियर एंड फेराडे। तो इलेक्ट्रो डायनामिक्स के बेसिक लॉ किसने दिए, कूलम ने दिए भाई ने, ऑस्टर्ड ने दिए, इन सब के नाम सुने तुमने, एम्पियर ने दिए, फेराडे का नाम नहीं सुना लेकिन ये अभी तुम्हारे सामने आएगा अच्छे से बहुत ही तरीके से। एंड एनकैप्सुलेटेड बाय मैक्सवेल इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशन, मैक्सवेल ने कंपाइल कर दिया था इन सब को। ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं है क्रिकेट वाला, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला मैक्सवेल है। सो द मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू एन AC वोल्टेज, द वर्किंग ऑफ एन एंटीना, द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आयनोस्फीयर एक्सेट्रा आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मूव होता है, जैसे पंखा चलाते हो तो मोटर चल जाती है, कैसे चलने लगती है, वो सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आएगा। हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू एन AC वोल्टेज, अगर हमने किसी सर्किट में AC वोल्टेज लगा दिया तो वो कैसे काम करेगा, वो सब हम इलेक्ट्रोडायनामिक देखेंगे। वर्किंग ऑफ एन एंटीना, एंटीना सिग्नल कैसे चेक करता है ये देखेंगे। चैप्टर आएगा एक कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, ये ट्वेल्थ में आएगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स एलेवंथ में बिल्कुल नहीं है, ट्वेल्थ में है पूरी, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में रेडियो वेव कैसे ट्रेवल होती हैं, हम यहाँ बैठे हैं बैठ के गाना सुन लेते हैं रेडियो पे, है ना, कुछ कनेक्शन तो है नहीं, तो कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स की प्रॉब्लम है। ऑप्टिक्स डील विथ, फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स डील विथ द फिनोमेनन इन्वॉल्विंग लाइट, द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, कलर्स एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म्स एक्सेट्रा। तो ऑप्टिक्स किन किन चीज़ों से डील करती है, ऑप्टिक्स डील करती है जो भी लाइट से इन्वॉल्व फिनोमेनन है, जैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। कलर्स एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म्स, तो अगर तुम एक थिन फिल्म लोगे पानी की, तो पाओगे कि उसमें सतरंगी रेनबो टाइप बनने लगता है। तो वो फिनोमेनन भी ऑप्टिक्स के थ्रू अपन एक्सप्लेन करते हैं कैसे हो जाता है। प्रिज्म से, प्रिज्म के अंदर कुछ माल तो है नहीं, तो सिंपल टुकड़ा है निर्जीव, उससे भी डालते हैं तो कलर टूट जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें, तो वो भी ऑप्टिक्स का हिस्सा है। तो ये सब देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स पे। थर्मोडायनामिक्स इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडीज एज अ होल, रेदर इट डील्स विद द सिस्टम इन माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड इज कंसर्न्ड विद द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा। तो लाइक ही थर्मोडायनामिक्स में हम ऐसे मोशन नहीं पढ़ते हैं पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, रेदर इट डील्स विद द सिस्टम इन माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे टेम्परेचर, मतलब कुछ जाके एक मॉलिक्यूल पकड़ के उसका टेम्परेचर नहीं देखना चाहते हम, है ना, ये बात समझ में आ रही है। हम क्या चाहते हैं, हम पूरा जाके खड़ा कर देते हैं ये अपने थर्मामीटर को रूम में, तो उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स टकरा, तो हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के मोशन से मतलब नहीं है, हमें उसकी बल्क प्रॉपर्टी से मतलब है, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिला के हम इन छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ से मिला के माइक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी बल्क प्रॉपर्टीज़ जैसे इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। एक वर्ड है यहाँ पे एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में तुम्हें हल्का सा बताता हूँ क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता होगा। एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस या केओस,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो दो सिचुएशन। एक सिचुएशन है जिसमें क्लासरूम में बच्चे एकदम सीधे एकदम समाधि जमाए बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, उतने ही बच्चे हैं लेकिन वो रैंडमली इधर से उधर भाग रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी यहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज देयर इज़ लार्जर केओस, ठीक है, केओस इधर ज़्यादा है, केओस इधर कम है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, तो हम कहेंगे इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे दूसरी सिचुएशन कि जैसे कांच का गिलास है, अगर वो साबुत है, टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है, कुछ नहीं है, और टेबल पे एकदम रखा हुआ है, पहली सिचुएशन ये। और इसके कॉन्ट्रास्टिंग दूसरी सिचुएशन कि हमने इसका चूरा बना दिया, चूरा बना दिया मतलब कि इसको तोड़ दिया और यहाँ पे बिखार के डाल दिया ऐसे इसके कण को, तो अब ज़्यादा रैंडमनेस कहाँ है? ये ज़्यादा रैंडम था या ये ज़्यादा रैंडम है? तो ये ज़्यादा रैंडम है क्योंकि ये जब था तब ये बाउंडेड था अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो हम कहेंगे यहाँ पे केओस ज़्यादा है, केओस इज ग्रेटर है, तो इसका मतलब इस इवेंट की एंट्रोपी ज़्यादा है, इस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो एंट्रोपी इज़ नथिंग बट रैंडमनेस को मेजर करने वाली चीज़। तो ऐसे तो एग्जांपल आएंगे नहीं हमारे सामने, केमिस्ट्री में एग्जांपल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन H2+N2, ये बनता है NH3, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। तो तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मतलब, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि रिएक्शन से पहले है ना, बिफोर रिएक्शन, और राइट हैंड साइड मतलब आफ्टर रिएक्शन। तो बिफोर रिएक्शन एक अगर मोल कंसीडर किया जाए सबका, सेम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर किया जाए, तो इसके 3 मोल्स पर इसका 1 मोल होगा और इसके 2 मोल होंगे, तो नेट 3 और 1 4 मोल हैं इस तरफ और इस तरफ 2 मोल हैं, ठीक है। तो रिएक्शन से पहले ज़्यादा एंट्रोपी थी या रिएक्शन के बाद ज़्यादा एंट्रोपी हुई? रिएक्शन के पहले ज़्यादा एंट्रोपी थी क्योंकि ज़्यादा केओस था, ज़्यादा पार्टिकल्स थे, ज़्यादा टकरा रहे होंगे एक दूसरे से, ज़्यादा रैंडम मोशन में होंगे, ज़्यादा टकराव हो रहा होगा, ज़्यादा केओस था। तो हम कहेंगे इस रिएक्शन के होने की वजह से दिस रिएक्शन की एंट्रोपी कम हो गई, एंट्रोपी इज डिक्रीज्ड आफ्टर द रिएक्शन, है ना? ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पे, ये सब देखना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री में। अच्छा, ये ऐसे गैस लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, इसका मतलब गैस की रैंडमनेस होती है केमिकल रिएक्शन में कंसीडर करते हैं अपन, सॉलिड होता तो उसकी कोई रैंडमनेस नहीं होती। तो हाल बस मैं तो जस्ट एक फ्लेवर देने के लिए बोल रहा हूँ ये सब, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझोगे जब आएंगी सामने। तो बस अभी मेरा उद्देश्य बस ये है कि एंट्रोपी जो वर्ड है ये तुम्हारे सामने कभी आया है ज़िंदगी में तो तुम समझ जाना एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, कि कौन कितना ज़्यादा रैंडम है उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सो ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो बोले इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी को चेंज किया जा सकता है सिस्टम की, कैसे? कुछ वर्क करा के या फिर हीट ट्रांसफ़र करके, कि पानी रखा हुआ है ऐसे इसमें वेसल में, उसको ले जाके गैस पे रख दिया स्टोव पे, एक्चुअली क्या किया हमने, हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई की वजह से उड़ने लगते हैं पार्टिकल इधर ऐसे ऐसे ऐसे, उड़ने नहीं मतलब पहले तो जब तक बॉयल नहीं हो रहा तब तक वहीं घूमने लगते हैं, फिर बॉयल होने लगता है तो फिर ऊपर भी उड़ जाते हैं हवा में। तो क्या किया हमने, हमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया ये हीट दे के, हमने उसकी एंट्रोपी बढ़ा दी, रैंडमनेस बढ़ा दी। तो ये सब चीज़ें होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। और क्या चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में? द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस एक्सेट्रा आर द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो
एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की और रेफ्रिजरेटर की। तो वर्ड आ गया है तो हीट इंजन के बारे में बता देता हूँ। इंजन क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल या हर ऑटोमोबाइल, कार हो चाहे ट्रक हो, कुछ भी हो, उसमें इंजन होता है। तो क्या प्रोसेस होती है, हम क्या करते हैं? ये इंजन है मान लो सपोज, उसमें कुछ होता है अंदर, बाद में पता चलेगा, कोई फ्लूड भरा होता है, कोई गैस भरी होती है उसमें। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम फ्यूल के थ्रू इलेक्ट्रिकल स्पार्क से गाड़ी ऑन करते हैं, तो जो टैंक में फ्यूल बना रहता है वो थोड़ा सा आता है यहाँ पे और आग लगाता है, इग्नाइट करता है। इसका मतलब इंजन में आग लगती है और आग लगने की वजह से मोटर चलने लगती है, ऐसे ऐसे उससे चक्के कनेक्टेड रहते हैं तो चलने लगती है गाड़ी। तो इंजन का ये प्रोसेस है, वो हीट को कन्वर्ट कर रहा है वर्क में। हीट कहाँ से आती है? फ्यूल को जलाने से, जो भी हम पेट्रोल डीजल भराते हैं गाड़ी में, वो जल के हीट प्रोड्यूस करता है, हीट यूटिलाइज होती है इंजन के लिए और इंजन हीट की वजह से वर्क में कन्वर्ट कर देता है उसको। रेफ्रिजरेटर का उल्टा प्रोसेस है। अच्छा, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया अगर इंजन का, जैसे ये मैंने बनाया ऐसी रैंडम आइडिया देने के लिए, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैसे फ्लो होती है? हीट फ्लो होती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो लेट से एक है बड़े टेम्परेचर पर और एक है छोटे टेम्परेचर पर, तो हीट किस तरफ फ्लो होगी? हीट होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो हीट ऐसी फ्लो हो रही है, तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को। ठीक है, तो इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो इस बहती हुई गंगा में से वर्क एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग एन इंजन। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब है। टेम्परेचर का डिफरेंस का मतलब है कि गर्मी देना उसको। कैसे देते हैं गर्मी? फ्यूल को जला के। तो फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेटर या एसी, इन सब का एक ही प्रिंसिपल है। तो तुमने देखा होगा रेफ्रिजरेटर को खोलते हो जब वो चालू रहता है तो टच करते हो ठंडा कर देता है। मतलब कि क्या ठंडा क्या होता है? ठंडा मतलब कि हीट को निकाल देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने हाथ में लगाया अपने एसीटोन, तो ठंडा सा महसूस होता है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे होगा सब आजकल सब लोग, तो तुम जैसे ही सैनिटाइज़र हाथ में लगाते हो तो क्या ऐसे ठंडा सा महसूस क्यों होता है? ठंडा महसूस इसलिए होता है क्योंकि हीट निकल जाती है हमारे, जैसे हम लगाते हैं वोलेटाइल जो कंपोनेंट रहता है सैनिटाइज़र का, वो हमारे हाथ से हीट लेके निकल जाता है, हीट को ऊपर भगा देता है, वो वोलेटाइल हो जाता है। तो मतलब हीट चली गई तो हमें ठंड का महसूस होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और तुमने कोई 40 डिग्री सेल्सियस की चीज़ को टच किया तो तुम्हें गर्म लगेगा वो। ये बात समझ में आ रही है? और मान लो कोई 0 डिग्री सेल्सियस की चीज़ को टच किया तो वो तुम्हें ठंडा लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब श्रीनगर के में हो तुम ठंड के दिनों में, और तुमने किसी -30 डिग्री के चीज़ को टच किया तो तुम्हें गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा वो। या 15 डिग्री का टच किया तो गर्म लगेगा। तो ठंडा या गर्म लगना सेंसेशन तभी हमें महसूस होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर तुम किसी ऐसी चीज़ को टच करो जिसका टेम्परेचर एग्जैक्टली तुम्हारे हाथ के बराबर है, तब तुम्हें कोई ना ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा, कुछ नहीं लगेगा वो, है ना। तो इसका मतलब अगर हम रेफ्रिजरेटर को टच कर रहे हैं या एसी में बैठे हैं और हमें आसपास की चीज़ें ठंडी महसूस हो रही हैं, दैट मीन्स उनका टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से कम है। तो मतलब टेम्परेचर कम हो गया मतलब क्या? टेम्परेचर कम हो गया मतलब टेम्परेचर कम हो गया इसका मतलब कि हीट चली गई, हीट गई वापस चली गई हीट। तो अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाए अपन, रेफ्रिजरेटर का
तो यहाँ पे कम टेम्परेचर है और यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट उल्टी गंगा बहती है। ये रेफ्रिजरेटर है, जहाँ पे हम टच करेंगे तो ठंडा महसूस होगा, तो यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, उल्टे डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है। अब ऐसे तो हो नहीं सकती, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो इसको वर्क देना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारे पास इंजन में हमें बहती गंगा में से वर्क निकल रहा है, तो रेफ्रिजरेटर इज़ ए डिवाइस जिसमें हमें उल्टी गंगा बहाने के लिए वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है ना? हेयर वर्क इज़ रिसीव्ड एंड हेयर वर्क इज़ सप्लाइड। ये यहाँ पे अब इस ये फ्रिज है अपना, जैसे इसको खोलोगे यहाँ पे तो ठंडा महसूस होगा, क्यों? क्योंकि हीट निकल रही है इससे। अच्छा, तो तुमने देखा होगा कि हीट को डिसिपिएट करने के लिए पीछे फ्रिज को एकदम ऑफ ऑफ करके कभी महसूस कर, या एसी में तुमने देखा होगा, एसी विंडो एसी जो रहता है वो दो भाग में रहता है। क्या करता है? मान लो सपोज़ ये हमारा रूम है, तो यहाँ से हीट जाती है और यहाँ से निकल जाती है बाहर। तब तो क्योंकि इसने रूम की पूरी हीट खींच ली, इसलिए यहाँ ठंडा महसूस हो रहा है। स्प्लिट एसी का भी यही चक्कर है कि क्या रहता है, ऐसे लगा एसी का रूम में और ऐसे पाइप के थ्रू कहीं पे बहुत ज़्यादा दूर कहीं पे जाके एग्जॉस्ट लगा रहता है। उस एग्जॉस्ट के सामने खड़े होना कभी तुम्हें मज़ा आएगा। उस एग्जॉस्ट में से हमेशा गर्म हवा आती है, क्यों? क्योंकि वो हीट निकाल रहा है, यहाँ से उल्टी गंगा बहा रहा है। तो यही है चक्कर एसी और इंजन का, रेफ्रिजरेटर और इंजन का। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन, उनकी एफिशिएंसी पढ़ेंगे कि हर इंजन परफेक्ट एफिशिएंट नहीं होता है, अलग अलग इंजन की अलग अलग एफिशिएंसी होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरे की पूरी हीट जो यहाँ बह रही है उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे, या पूरा का पूरा वर्क इस हीट को बहाने में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। एफिशिएंसी 100% नहीं होती, ये सब अपन देखेंगे, और कितनी होती है क्या होती है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर, द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ द फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट द माइन्यूट स्केल्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या होता है फिजिक्स के? हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, एंड इवन लोअर स्केल्स ऑफ लेंथ न्यूक्लियाई के अंदर भी पढ़ने लग गए हैं आजकल। हालांकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी स्टडी भी अंदर पहुंच गई है। एंड देयर इंट्रैक्शन विथ डिफरेंट प्रोब्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो उससे संबंधित दूसरे पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पता है हमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स, मेरे ख्याल से प्रोटॉन्स लिखना चाहते होंगे लेकिन मैंने प्रोटॉन्स लिख दिया। फोटॉन्स, प्रोटॉन तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के अंदर वाला। फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स जो लाइट आती है ना, सनलाइट जो है, लाइट के एक पार्टिकल को फोटॉन बोलते हैं। फोटॉन इज नथिंग बट अ पार्टिकल ऑफ लाइट। तो अभी तुमने डुअल नेचर ऑफ लाइट देखा होगा कि फोटोन वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो जब उसका पार्टिकल नेचर अपन समझते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उस पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इज़ इनएडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन। तो ये फोटॉन्स और ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स को समझने के लिए क्लासिकल फिजिक्स एडिक्वेट नहीं है, एंड क्वांटम थ्योरी इज़ करेंटली एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनन। तो इन माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनन को हैंडल करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स डेवलप करी गई है, ठीक है? और इसको समझा गया है। ओवरऑल द एडिफाइस ऑफ फिजिक्स इज़ ब्यूटिफुल एंड इम्पोजिंग एंड यू विल अप्रिशिएट इट मोर एज यू परस्यू द सब्जेक्ट। तो जैसे जैसे तुम इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ते जाओगे सब मज़ा आएगा और, ठीक है? अब ये क्या फिगर दिया हुआ है? ये फिगर दिया हुआ है, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट गो हैंड इन फिजिक्स एंड हेल्प ईच अदर प्रोग्रेस।
द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रदरफोर्ड गेव द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम बता पाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा. तो अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग में क्या किया था उसने, पोलोनियम सैंपल के थ्रू अल्फा पार्टिकल निकाले थे और जाके वो गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड की परत से टकराए थे और फिर स्कैटर हो गए थे. तो स्कैटर के लिए फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई थी ताकि ये पता चले कि वो कहाँ पड़ा. ठीक है, सो यू कैन नाउ सी दैट द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट. इट कवर्स ट्रेमेंडस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा. एट वन एंड इट स्टडीज फिनोमिनन एट द वेरी स्मॉल स्केल ऑफ लेंथ 10^-14 मीटर और इवन लेस, इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा. एंड एट द अदर हैंड इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन एट द स्केल ऑफ गैलेक्सीज और इवन द एंटायर यूनिवर्स हुज एक्सटेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^26 मीटर. तो कह रहा एक तरफ तो हम इतने छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका साइज 10^-14 मीटर और उनसे भी छोटा होता है, और एक तरफ तो पूरी यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में जो 10^26 मीटर तक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की स्केल. तो बोले इन स्केल में डिफरेंस कितना है, 10^40 मीटर की रेंज है ना. सो द रेंज, तो ये लेंथ की उसने बताई. द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स कैन बी ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग द लेंथ स्केल्स बाय द स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर टाइम स्केल डिवाइड करना है तो कि कितने टाइम पीरियड के फिनोमिनन्स पढ़ते हैं अपन, इसको डिवाइड किया स्पीड ऑफ लाइट से 10^-22 आया, इसको डिवाइड किया तो 10^-18 आया. मतलब इस रेंज ऑफ टाइम 10^-22 सेकेंड कितना छोटा टाइम है, वी कांट इवन इमेजिन इट. और 10^18 कितना बड़ा टाइम है इतने सेकेंड्स, वी कांट इमेजिन इट ईदर. मतलब इतनी रेंज है लेंथ की, इतनी रेंज है टाइम की फिजिक्स में. द रेंज ऑफ मासेज गोज फ्रॉम, अब मास की रेंज भी देख लेते हैं, 10^-30 के जी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 10^-13 के जी है, टू द 10^55 के जी मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. मतलब 10 के आगे 55 जीरो लगाने पड़ेंगे, ऐसे लिखूंगा ना मैं ऐसे 55. और यहाँ पे पहला मास लिखने के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए 0.00 तो पॉइंट के बाद 29 जीरो फिर एक आएगा 1. तो देखो कितना डिफरेंस है इन मासेज में, है ना. सो टेरेस्ट्रियल फिनोमिना लाई समवेयर इन द मिडिल ऑफ दिस रेंज. नॉर्मल 2 किलो 4 किलो इनके बीच में आते कहीं पे. सो फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज. टू सम पीपल द एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम द एलिगेंस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ इट्स बेसिक थ्योरीज. मतलब फिजिक्स बहुत एक्साइटिंग है बहुत तरीकों में. कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट इसलिए आता है क्योंकि वो यूनिवर्सलिटी चाहते हैं. यूनिवर्सलिटी मतलब हमने कुछ फिनोमिनन के, कुछ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन कर दिए, ये यूनिवर्सलिटी है. तो इस वजह से आ सकता है किसी के दिमाग में. या फ्रॉम द फैक्ट दैट अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस कैन एक्सप्लेन फिनोमिनन कवरिंग ए लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. या ये इस वजह से भी आ सकता है. टू सम अदर्स द चैलेंज इज कैरिंग आउट इमेजिनेटिंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार अभी तो बहुत सारे सीक्रेट्स बचे हैं नेचर के जो डिकोड नहीं हो पाए, इस वजह से भी इंटरेस्ट आ सकता है फिजिक्स में. टू वेरीफाई और रिफ्यूट थ्योरीज इज थ्रिलिंग. तो वो फिर वेरीफाई और रिफ्यूट करना चाहते हैं थ्योरीज को. अप्लाइड फिजिक्स इज इक्वली डिमांडिंग. तो अब अप्लाइड फिजिक्स भी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो बहुत ही डिमांड में है. अच्छा, अप्लाइड फिजिक्स का क्या मतलब है? अप्लाइड मतलब कि तुमने फिजिक्स पढ़ ली पूरा, पोथी पढ़ जग मुआ, लेकिन पंडित भया ना कोई. मतलब क्या करोगे उस पूरे ज्ञान का, पूरी फिजिक्स आती तुम्हें, कुछ करोगे ना उसका, कुछ अप्लाई तो करोगे, कोई मशीन बनाओ, कोई डिवाइस बनाओगे. तो उस चीज़ को बोलते हैं अपन अप्लाइड फिजिक्स. ठीक है, सो एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉस टू मेक यूजफुल डिवाइसेस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट एंड रिक्वायर्स ग्रेट इंजीनिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट. तो ये हम फिजिक्स पढ़ने के बाद इसके थ्रू कुछ नई चीज़ें बनाना चाहते हैं. तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि फिजिक्स इतनी एक्साइटिंग क्यों है. ठीक है, तो वॉट लाइज बिहाइंड द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स इन द लास्ट 2 सेंचुरीज.
बोले कि अब हम जानना चाहते हैं कि इतनी फिनोमिनल खतरनाक जो बोलते हैं ना कि पूरे अनादिकाल से पूरी मैनकाइंड है, लेकिन जो खतरनाक इतना जो ट्राइम्फ आया है साइंटिफिक इवोल्यूशन में, वो 18th और 19th सेंचुरी के बाद से ही आया है। बोले ऐसा क्या हो गया 18th और 19th सेंचुरी में जो एकदम से इतना इवोल्यूशन आ गया। सो ग्रेट प्रोग्रेस यूजुअली अकम्पनीज चेंज इन आवर बेसिक परसेप्शंस। तो जब हमारे परसेप्शंस, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, तब बहुत ग्रेट प्रोग्रेस होती है। सो फर्स्ट इट वॉज रियलाइज दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस ओनली क्वालिटेटिव थिंकिंग, दो नो डाउट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट इनफ। तो सबसे पहले ये रियलाइज़ किया गया कि साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए केवल क्वालिटेटिव थिंकिंग ही काफ़ी नहीं है, कि हम बस सोचते रहें बैठ के कि हाँ सन गोल घूमता है, हाँ घूम रहा है, तो वही काफ़ी नहीं है। क्वांटिटेटिव मेजर भी आ गया अभी से। तो पहले तो जो फिलोसॉफिकली फिजिक्स चलती थी पहले, लेकिन इस रिसेंट टाइम्स में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी आ गया। सो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ साइंस, स्पेशली फिजिक्स, बिकॉज द लॉज ऑफ नेचर हैपन टू बी एक्सप्रेसिबल इन प्रिसाइज मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो ये रहा कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना शुरू किए इन समय में। ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइट वॉज द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, द सेम लॉज अप्लाई इन वैडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो बोले कि फिजिक्स यूनिवर्सल नेचर की है, कि जो फॉर एग्जांपल जो लॉ तुम यहाँ पे लगा रहे हो एक्सीलरेशन का, फोर्स का, मान लो सपोज मून पे तुम कॉलोनी डेवलप करने लग गए सपोज, तो भी वो सेम लॉ लगेंगे वहाँ पे, है ना। ठीक है, लास्टली द स्ट्रेटजी, तो सेकंड क्या यूनिवर्सल है फिजिक्स इस वजह से। लास्टली द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल, तो एक नई स्ट्रेटजी तैयार की गई इस टाइम पे, दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो लगे जैसे फॉर एग्जांपल हमने इम्प्रूवमेंट को इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू अकम्पलीट किया। कैसे अकम्पनिश किया, कि कोई चीज़ अगर परफेक्टली नहीं आ रही है तो हमने कहा चलो अप्रोक्सीमेटली मान लो। तो बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली ही हैं, तो इसलिए ये बहुत तेज़ी से हो पाई। सो टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। मोस्ट ऑब्जर्व फिनोमिनन इन डेली लाइफ आर रैदर कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बेसिक लॉस। तो जो हम बेसिक सिंपल ऑब्जर्वेशंस देखते हैं पूरे फिनोमिनन हमारे रियल लाइफ में, वो एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशंस हैं बेसिक लॉ के, कि हमने क्या किया, छोटे छोटे लॉ बनाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ बनाया, ऐसे बहुत सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बनाए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉज बना दिए छोटे छोटे जो सिंपल हैं, और इनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब घुमा फिरा के देखा गया तो हमें नेचर समझ में आया कि हाँ भाई अब नेचर एक्सप्लेन हो रहा है इन सब चीज़ों से। ठीक है, सो साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फिनोमिनन फ्रॉम इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। तो हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट में चार चीज़ें डिस्क्राइब की गई हों, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक कोई इक्वेशन है, वो इस एक्स क्वांटिटी को चार अलग अलग क्वांटिटी से रिलेट करती, ए बी सी डी। ठीक है, ये उसने एक प्रैक्टिकल इक्वेशन है, लेकिन इसको रियल लाइफ में लगाने के लिए हो सकता है डी वाला फैक्टर सिग्निफिकेंट ना हो, तो हम इन्हीं तीन को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन होता है। सो साइंटिफिस्ट रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फिनोमिनन फ्रॉम इट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। तो जो जिनका सिग्निफिकेंस कम है उनको हटा देते हैं, जिनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है उनको ले ले देते हैं। सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फिनोमिनन इन वन गो। तो नेचर या फिनोमिनन जो नेचुरल होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम सारी थ्योरीज को इकट्ठा नहीं लगा सकते उसमें, है ना। तो हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरीज अप्लाई करनी पड़ती है वहाँ पे। सो अ गुड स्ट्रैटेजी इज टू फोकस फर्स्ट ऑन द एसेंशियल फीचर्स, डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड देन इंट्रोड्यूस करेक्शंस टू बिल्ड अ मोर रिफाइंड थ्योरी ऑफ द फिनोमिनन। तो बोला कि फिर सही तरीका क्या है, सही तरीका है कि सबसे पहले तो फोकस करो कि एसेंशियल फीचर क्या है, उसके बाद फिर डिस्कवर करो कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और फिर जो भी करेक्शन जरूरी है वो भी इंट्रोड्यूस कर दो टू बिल्ड अ मोर रिफाइंड थ्योरी ऑफ द फिनोमिना।
So, for example, a stone and a feather dropped from the same height do not reach the ground at the same time. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने बचपन में एक वीडियो देखा होगा कि एक वैक्यूम चैम्बर है, दूसरा भी वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पे से एक पत्थर गिराया और यहाँ से एक पंख गिराया, तो दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम पे आए क्योंकि यहाँ वैक्यूम था। ठीक है, लेकिन असल में वैक्यूम तो है नहीं, असल में जब उनको नॉर्मल ऐसे गिराएंगे, पत्थर को गिराओ एक पंख को गिराओ, तो पत्थर तो सीधा नीचे आ जाएगा, पंख ऐसे एयर फ्रिक्शन लगते लगते घूमता फिरता फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन एंड अ फेदर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। द रीज़न इज दैट द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिनन नेमली फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो हमने जो वो जी की वैल्यू पढ़ रखी है ना 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो तब पढ़ रखी है जब कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर वेयर ना हो, वैक्यूम में पढ़ रखी है। लेकिन असलियत में क्या होता है, असलियत में एयर रेजिस्टेंस होता है, तो ग्रेविटी का फिनोमिनन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फ्री फॉल का फिनोमिनन जब एयर रेजिस्टेंस आ जाता है। टू गेट द लॉ ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इट इज़ बेटर टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो हमें कैसी सिचुएशन बनानी चाहिए इस फिनोमिनन को समझाने के लिए, वैक्यूम वाली सिचुएशन। सो वी कैन फॉर एग्जाम्पल लेट द स्टोन एंड फेदर फॉल थ्रू अ लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब, इन दैट केस द टू ऑब्जेक्ट्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम रेट, गिविंग द बेसिक लॉ दैट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वैक्यूम में करना पड़ेगा हमको एक्सपेरिमेंट, अगर ये प्रूव करना है कि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, सो विथ द बेसिक लॉ दस फाउंड वी कैन गो बैक टू द फेदर, इंट्रोड्यूस करेक्शंस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड ट्राई टू बिल्ड अ मोर रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टू द अर्थ अंडर ग्रेविटी। तो बोला कि अगर इस केस में, एयर वाले केस में, हमको पता करना है कि भाई सही एक्सप्रेशन क्या होगा एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो ये पता करने के लिए हमें कुछ करेक्शन फैक्टर लगा देना चाहिए इसमें। मतलब जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लिख के कुछ और लिखना चाहिए करेक्ट करके उसे। ठीक है, ठीक है, फिर ये पढ़ते हैं हाइपोथेसिस एक्सियम्स एंड मॉडल। तो ये वर्ड हम ऑफन कम अक्रॉस करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में हाइपोथेसिस आता है, एक्सियम आता है, और फिजिक्स में मॉडल्स आता है। ठीक है, मैथ्स में भी आता है मैथमेटिकल मॉडल। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन समझते हैं कि ये क्या मतलब क्या है इनका। तो वन शुड नॉट थिंक दैट एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ऐसा कभी किसी को नहीं सोच के बैठ जाना चाहिए कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऑल फिजिक्स एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, क्योंकि ये खुद भी अपने आप में अजम्पशंस पे बेस्ड है। ईच ऑफ विच इज़ वेरियसली कॉल्ड अ हाइपोथेसिस और एक्सियम और पोस्टुलेट। ठीक है, तो इन अजम्पशंस को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, या एक्सियम बोलते हैं, या पोस्टुलेट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज बाय न्यूटन इज एन असम्पशन और हाइपोथेसिस विच ही प्रपोज आउट ऑफ हिज इंजीन्यूटी। तो जैसे ग्रेविटेशन का लॉ था, न्यूटन ने ऐसे बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, केवल इतना बताया था, इनफैक्ट इक्वल टू जो आता था जी की वैल्यू, वो इसके मरने के लगभग 11 साल बाद किसी और ने निकाली थी, न्यूटन ने नहीं निकाली थी। ठीक है, तो अब ले ये आइडिया आया कहाँ से उसे, है ना? तो बोला भगवान को पता, वो सब उसकी इंजीनियरिटी नहीं, उसकी जीनियसनेस पे डिपेंड करता है, हमें नहीं पता। कोई प्रूव नहीं कर सकता इस लॉ को, लॉस कैन नॉट बी प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि वो हाइपोथेसिस है, बोल रहा है कि ये चीज़ होती है, अब इसके बेसिस पे मैं तुम्हें पूरे फिनोमिनन एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर वो फिनोमिनन एक्सप्लेन हो जाते हैं तो हम ताली बजा के उस लॉ को एक्सेप्ट करते हैं, है ना? प्रूव कभी नहीं, कभी तुमसे नहीं आएगा कि प्रूव ग्रेविटेशन लॉ,
ऐसा कभी नहीं आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। सो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज बाय न्यूटन इज अजम्पशन और हाइपोथेसिस विच ही प्रपोज आउट ऑफ हिज इंजेन्युटी इंजेन्युटी बिफोर हिम देयर वर सेवरल ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स एंड डेटा ऑन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, पेंडुलम्स बॉडी इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ एक्सेट्रा। ईच ऑफ दीज रिक्वायर्ड अ सेपरेट एक्सप्लेनेशन विच वॉज मोर और लेस क्वालिटेटिव, ठीक है। न्यूटन के पास क्या था ऐसा, तो न्यूटन ने ये सब थ्योरीज पढ़ी थी, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ी थी कि भाई मून रिवॉल्व करता तो क्या होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल कुछ नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। उन सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने अपना जीनियस डेवलप किया और फिर ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया। सो वॉट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट इफ वी अज्यूम दैट एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी कैन एक्सप्लेन ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इन वन स्ट्रोक। तो इनफैक्ट हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि अगर मान लिया जाए, मतलब क्या न्यूटन ने बोला, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो फिर अपन सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूले से सन और मून के बीच में क्या फोर्स लग रहा है ये पता लग जाएगा, सन और अर्थ के बीच में क्या फोर्स लग रहा है ये पता लग जाएगा। तो ये उसका हाइपोथेसिस था, ठीक है। सो इट नॉट ओनली एक्सप्लेन्स दिस फिनोमेनन, इट ऑल्सो अलाउज अस टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स ऑफ द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। तो मतलब नेचुरल फिनोमेनन तो एक्सप्लेन हुए ही हुए, इससे इस लॉ से हमें जो आगे के रिजल्ट निकालने वाले हैं हम किसी एक्सपेरिमेंट से, उनके बारे में भी प्रिडिक्शन मिल गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इफ इट इज ट्रू। तो हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस है मान लेना बिना सोचे समझे कि वो ट्रू है कि नहीं, और फिर उसके बेसिस पे अगर एक्सप्लेन हो गए फिनोमिनन या उसके बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें हो गई तब तो वो सही है, नहीं तो फिर हटा दो उसको थ्योरी को। सो इट वुड नॉट बी फेयर टू आस्क एनी बडी टू प्रूव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि प्रूफ करके बताओ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो प्रूफ तो वो न्यूटन ने नहीं किया जिसने बनाया है, वो हम क्या प्रूफ करें, है ना। क्यों तो प्रूफ नहीं किया, क्योंकि उसने तो खुद ही बोला कि ये मान लो, ये बोल रहा हूँ मैं कि ये होता है, अब इसके बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन होती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो इट कैन नॉट बी प्रूफ्ड, इट कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटेंशिएटेड बाई एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो उसको वेरीफाई किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से देखा जा सकता है कि हाँ सही बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर एक्सियम पे आ जाते हैं। एन एक्सियम इज एन सेल्फ एविडेंट ट्रूथ वाइल अ मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, ठीक है। तो एक्सियम क्या है, एक्सियम है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ठीक है। और मॉडल क्या है, मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। तो मॉडल एक सबसे पहले एक्सियम, एक्सियम इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, अपने आप में सच है। जैसे फॉर एग्जांपल सन और अर्थ रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, तो ये एक एक्सियम हो गया, है ना, ठीक है। और मॉडल क्या है, मॉडल एक थ्योरी है जो बताता है कि भाई ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन को कैसे एक्सप्लेन किया। जैसे मान लो रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। क्यों है मॉडल, क्योंकि वो एक थ्योरी है, कहानी जैसी है जो रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। बट यू नीड नॉट टू वरी एट दिस स्टेज अबाउट द नेसेंस इन यूजिंग दीज वर्ड्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर यू विल लर्न अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच बोर्स अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फॉलो सर्टेन रूल्स पॉस्टुलेट। तो बोला कि ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट ईयर जब एक बोर मॉडल पढ़ेंगे तो हमारे अक्रॉस आएगी,
कि बोर के दो तीन पॉस्टुलेट थे। तो मतलब उसने कहा था इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइटम में ये चीज़ फॉलो करता है। तो कहाँ से उसको सूझा, उसने कहानी बनाई, थ्योरी बनाई, ठीक है। सो व्हाई डिड ही डू दैट? देयर वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा बिफोर हिम विच नो अदर थ्योरी कुड एक्सप्लेन। तो उसके पास कुछ ऐसा डेटा था स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो उसने इन पॉस्टुलेट्स से फिट बैठ रहा था, है ना। तो उसने कहा मान लो, ठीक है। सो बोर सैड दैट इफ़ वी अज्यूम दैट एटम बिहेव्स इन सच अ मैनर वी कैन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स एट वन गो। तो मतलब ऐसा मान लिया अगर हमने तो फिर हम सब कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पॉस्टुलेट का मतलब होता है पहले मैंने जो बात कही कि मेरे कहानी के ये नियम है। फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तुमने, तो हैरी पॉटर मूवी में वो प्लेटफॉर्म 9x3 के अंदर चला जाता है, दीवार के अंदर घुस जाता है वो। तो ये तो फालतू की बात है, मतलब समझ रहे हो, लेकिन वो मूवी के लिए सही है, वो मूवी में होता है वैसा। क्यों? क्योंकि वो मूवी के पॉस्टुलेट है कि अगर उसने कहा कि ये ऐसा मान लो फिर आगे की कहानी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पॉस्टुलेट्स भी फिजिक्स में ऐसे ही होते हैं कि ये कहानी जो मैंने बताई ये मानो पहले, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा इसके इस कहानी के बेसिस पे, इस कहानी के पैटर्न से मैच खाते हुए चीज़ें वो रियल लाइफ फिनोमिनन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टू पॉस्टुलेट। तो आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें भी दो पॉस्टुलेट उसने बताए। पहला पॉस्टुलेट द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला पॉस्टुलेट उसका था कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्स्टेंट होती है सी के बराबर, एंड द वैलिडिटी ऑफ फिजिकल लॉज इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसने कहा कि फिजिकल लॉज वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, बोले ये मान लो इसके बाद ही फिर मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो ये पॉस्टुलेट होता है। सो इट वुड नॉट बी वाइज टू आस्क समवन टू प्रूव दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो कोई प्रूव नहीं कर सकता इन पॉस्टुलेट्स को, क्योंकि वो तो मानी हुई चीज़ है, क्योंकि वो मानेंगे नहीं तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन इन मैथमेटिक्स टू, वी नीड एक्सियम्स एंड हाइपोथेसिस एट वेरी स्टेज एवरी स्टेट। सो यूक्लिड्स स्टेटमेंट दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट इज अ हाइपोथेसिस। तो यूक्लिड ने बोला था कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती। तो ये एकदम फैक्चुअल, मतलब तुम अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लेके बैठे हो तो तुम कहोगे हाँ भाई सही बात है, नहीं मैच करेंगी, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अब कैसे प्रूव करोगे? मान लो बस हाँ कि भाई सही भी बात है और मानना भी पड़ेगा। तो जैसी बात जो फैक्ट होता है जो सही सा लगता है उसको एक्सियम बोलते हैं। सो इन हाइपोथेसिस दिस मीन्स इफ वी अज्यूम दिस स्टेटमेंट वी कैन एक्सप्लेन सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड टू और थ्री डायमेंशनल फिगर्स मेड आउट ऑफ देम। मतलब ऐसा मान लिया जाए तो फिर हम स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज बता देंगे, या दो या तीन डायमेंशन फिगर बन रहे हैं अगर स्ट्रेट लाइन्स के कॉम्बिनेशन से तो उनको भी बता देंगे। सो बट इफ़ यू आर डोंट अज्यूम इट, तो अगर तुमने नहीं माना, यू आर फ्री टू यूज डिफरेंट एक्सियम एंड गेट अ न्यू ज्योमेट्री एज हैज इंडीड हैपन्ड इन द पास्ट फ्यू सेंचुरीज एंड डिकेड्स। तो अगर तुम नहीं मान रहे कि हम नहीं मान रहे इसको, हम तो अपनी कहानी खुद बनाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो अपनी ज्योमेट्री, खुद डेवलप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पे, कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी को कैसे फ्रेम करती है। सो द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मैनी एग्जाम्पल्स। द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अरोज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स। तो बोला गया कि भाई ये सब थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल या डिसिप्लिन क्यों अराइज हुआ, वो इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हम चाहते थे हीट इंजन्स को इम्प्रूव करना, ठीक है। द स्टीम इंजन एज वी नो इज इनसेपरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड इन द 18th century। स्टीम इंजन के इन्वेंशन से बहुत ही बड़ा सैलाब आया, क्रांति आई, मतलब इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, तो विच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के कोर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है जो। समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, एट अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बोले कि कभी कभी टेक्नोलॉजी की सहायता से हमें नई फिजिक्स
बनानी पड़ती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या कभी कभी फिजिक्स जनरेट करती है टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी। एन एग्जाम्पल ऑफ द लेटर इज दैट वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट फॉलो द डिस्कवरी द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द 19th century। उसने कहा कि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी कब बन, जैसे ये पहले हीट इंजन बन गया था है ना, स्टीम इंजन पहले बन गया था, उसको इम्प्रूव करने के लिए थ्योरी बनाई गई, फिजिक्स बनाई गई। तो मतलब पहले टेक्नोलॉजी आई और फिर उससे फिजिक्स बनाई, क्यों, क्योंकि इम्प्रूव करना था। लेकिन इसका अदर वे राउंड भी होता है कि पहले फिजिक्स आ जाए फिर टेक्नोलॉजी आए। जैसे रेडियो सिस्टम तब डेवलप हो पाया जब अपने पास इलेक्ट्रोडायनामिक की स्टडी हो गई, ठीक है। सो द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज ईजी टू फॉरसी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अपन ने सोचा कि हाँ कुछ नई चीज़ बनानी है तो मतलब कुछ भी करने लग गए बोला इससे नई कोई चीज़ बन जाएगी, है ना। तो बहुत ही पहले से सोच पाना कि क्या होने वाला है आने टेक्नोलॉजी में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। सो एज लेट एज 1933 द ग्रेट फिजिसिस्ट अदर्स रदरफोर्ड हैज़ डिसमिस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम एटम्स। तो 1933 ज़्यादा पुरानी बात नहीं है अगर फिजिक्स या साइंस के एवोल्यूशन को देखें तो। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसने कहा था कि भाई एटम से तो कभी एनर्जी नहीं निकाली जा सकती, ऐसा बोला था उसने, ठीक है। तो लेकिन बाद में बट ओनली अ फ्यू ईयर्स लेटर इन 1938 हैन एंड माइटनर डेवलप द फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ यूरेनियम विच वुड सर्व एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। तो फिर उसके कुछ टाइम बाद ही एटम से एनर्जी कैसे निकल रही है, न्यूक्लियर फिजन से, है ना, यूरेनियम के फिजन से। तो मतलब कि जो रदरफोर्ड जैसा विद्वान भी नहीं देख पाया, वो किसी और ने देख के कर दिया। सो विच वुड सर्व एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स, येट अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स गिविंग राइज टू टेक्नोलॉजी इज द सिलिकॉन चिप दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इन द लास्ट 3 decades ऑफ द 20th century। तो पिछले 3 दशकों में सेमीकंडक्टर चिप्स, मतलब हमने जो बोला कि पहला कंप्यूटर किस साइज़ का था, स्विमिंग पूल के साइज़ का था, अब तुम्हारे हाथ में उंगली के साइज़ का कंप्यूटर भी आ रहा है। बोला ये कैसे पॉसिबल हुआ, कन्फाइन कैसे कर दिया हमने फिजिकल साइज को, बोला कि ये कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ सिलिकॉन चिप की वजह से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से। बोला कि ऐसे रिफॉर्म हो रही है टेक्नोलॉजी। अ मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच फिजिक्स हैज़ एंड विल कॉन्ट्रीब्यूट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया क्या है कि अपन को अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द प्लानट आर डिवेलिंग फास्ट एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डिस्कवर न्यू एंड अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बोला फॉसिल फ्यूल तो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं अभी, तो कुछ और चाहिए अल्टरनेटिव सोर्स। सो कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इन कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा इन टू इलेक्ट्रिसिटी। तो कोशिश है सोलर एनर्जी को, जियोथर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करने की इलेक्ट्रिसिटी में, बट मच मोर इज स्टिल टू बी अकम्प्लिश्ड, लेकिन और भी अभी बाकी है, ठीक है। टेबल 1.1 लिस्ट सम ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द कंट्री ऑफ ऑरिजिन। यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस टेबल द मल्टी कल्चरल इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ द साइंटिफिक एंडीवर। तो टेबल हमें बताएगी कि कुछ फिजिसिस्ट के बारे में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है और किस कंट्री से वो हैं। तो उससे पता लगेगा कि हमें कि बहुत फिजिक्स ऐसा एक जगह से उत्पन्न नहीं हुई है, पूरा वर्ल्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है फिजिक्स में, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं आर्कमिडीज। आर्कमिडीज ने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी और प्रिंसिपल ऑफ द लिवर। लिवर समझते हो ना, जैसे कैंची एक लीवर है, सीसॉ एक लेवर है, और भी बहुत सारे एग्जांपल। कौन सी कंट्री का था वो, ग्रीस का। फिर गैलीलियो गैलीली, लॉ ऑफ इनर्शिया, ही वॉज फ्रॉम इटली। क्रिश्चियन हाइजंस, इसके बारे में अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एक वेव ऑप्टिक्स 12th क्लास में। इसने क्या बताया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हॉलैंड से था ये। आइजैक न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
यूके से था ये, माइकल फेराडे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी यूके से था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये है इसका पूरा नाम, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें बताया था लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताई थी, ये यूके से था। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जर्मनी से था ये। जेसी बोस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये इंडिया से था। अब इंडिया की किताब पढ़ रहे हैं तो कुछ तो इंडिया का लिखना पड़ेगा। सो डब्ल्यू के रॉन्टजन, इसने एक्सरे के बारे में बताया था, ये कहाँ से था, जर्मनी। जे जे थॉम्सन, इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, ये यूके से था। मैरी स्कॉल्सवा क्वेरी, डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम, स्टडीज ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये भी पोलैंड से थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जर्मनी से था। फिर विक्टर फ्रांसिस हेस, कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बताया इसने, ये ऑस्ट्रिया से था। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, यूरोप में। आर ए मिलिकन, इसने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये मेजर करके बताया था, ये यूएसए से था। फिर अदर्स, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये न्यूजीलैंड से था। ये मुझे पहली बार पता चला कि ये न्यूजीलैंड से था, मैं तो इसको यूरोपियन समझता था। ठीक है, फिर नील्स बोर, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये डेनमार्क से था। सी वी रमन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ये इंडिया से थे। लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, वेव नेचर ऑफ मैटर, ये फ्रांस से था। एम एन साहा, थर्मल आयनाइजेशन, ये इंडिया से। एस एन बोस, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये भी इंडिया से। मतलब तुम एक पैटर्न फॉलो करोगे कि ये जितने भी साइंटिस्ट है ना, ये साहा, बोस, सी वी रमन, 1920s के समथिंग इंडिया में हुए थे ये। 1920 से लेके 1930 तक इंडिया में चार फिजिक्स के लिए वो मिले हैं, चार या तीन नोबेल प्राइजेस। उसके पहले कभी नहीं मिला, उसके बाद कभी नहीं मिला, पता नहीं ऐसा क्या टाइम था उस टाइम। ठीक है, वॉल्फगैंग पॉली, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था, ये ऑस्ट्रिया से था। एनरिको फर्मी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, ये इटली से था। वर्नर हाइजनबर्ग, क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जर्मनी से था। पॉल डायरेक, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये यूके से था। एडविन हबल, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यूएसए। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया इसने, ये भी यूएसए से था। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन के बारे में बताया इसने, यूके से था ये। क्या जापानीज लग रहा है। हिटैकी युकावा, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, जापान से था ये। होमी जहांगीर बाबा, कैस्केड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, ये इंडिया से। लेव डेविडोव, डेविडोविक लंडाओ, थ्योरी ऑफ कंडेंस्ड मैटर, हीलियम लिक्विड के बारे में, रशिया से था ये। एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट, अब क्या समझो इससे, नाम ही लिमिट है उसकी। स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, ये इंडिया से था। जॉन बैडिन, ट्रांजिस्टर थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये यूएसए से था। सी एच टॉनस, मेजर और लेज़र के बारे में इसने बताया, ये यूएसए से था। एब्दुस सलाम, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, ये पाकिस्तान से था। उसके बाद टेबल 1.2 लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स दे आर बेस्ड ऑन। ऑब्वियसली दीज टेबल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, वी अर्ज यू टू ट्राई टू एड मैनी नेम्स एंड आइटम्स टू दीज टेबल्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, गुड बुक्स एंड वेबसाइट्स ऑन साइंस। यू विल फाइंड दैट दिस एक्सरसाइज वेरी एजुकेटिव एंड ऑल्सो ग्रेट फन, एंड अश्योर्डली यू विल नेवर एंड द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टॉपेबल। तो टेबल 1.2 पे चलते हैं आप। कहाँ है 1.2? ये रही कि लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, तो टेक्नोलॉजी बता रही है कि क्या है वो और उसके बिहाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, जैसे साइंस स्टीम इंजन।
लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एंड टेलीविजन, जनरेशन प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कंप्यूटर्स दे आर बेस्ड ऑन डिजिटल लॉजिक, है ना, बाइनरी पर काम करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, लेजर्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, सुपर कंडक्टिविटी, रॉकेट प्रपल्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाइड्रोलैक्टिक पावर, ये बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एरोप्लेन बर्नौलीस प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स, पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, साइक्लोट्रॉन्स होते हैं, सोनार साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये किस पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स, ये किस पे बेस्ड है, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये किस पर बेस्ड है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो सेल, ये सोलर सेल है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर टोकामैक, ये किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा पर, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ना, ये टेलीस्कोप किस पे बेस्ड है, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, और भी मतलब एक्सरसाइज क्या बोली उन्होंने, और फिनोमिनन लिखो यहाँ पे, और उसकी रिलेटेड और मतलब टेक्नोलॉजी लिखो, और यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखो, जैसे तुम्हारे सामने और क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, बल्ब वल्ब मत बोलना, वो सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, चलो और याद आए तो ऐसे दिमाग में लिखना। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, फिजिसिस्ट ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। तो फिजिक्स क्या है फाइनली, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, और फिजिसिस्ट क्या करते हैं, फिजिसिस्ट ट्राई करते हैं डिस्कवर करने का, क्या डिस्कवर करने का, वो रूल्स जो नेचर को ऑपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कैसे करते हैं ये, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे। फिजिक्स डील्स विथ सर्टेन बेसिक रूल्स लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड, तो कुछ बेसिक लॉज हमें पढ़ने पड़ेंगे पूरे फिजिक्स में। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, वी शैल नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज एंड द लॉज दैट गवर्न द डाइवर्स फिनोमिनन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं नेचर के, वो होते हैं चार टाइप के, एक तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका ऑब्जर्वेशन ग्रेविटेशन फोर्स इस वजह से होता है, इसका बेसिक एंटिटी होती है मास, अगर मास नहीं होता तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता। सिमिलरली इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स का उद्गम होता है चार्ज की वजह से, अगर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स होते हैं न्यूक्लियस की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस की वजह से होता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही रेयर फोर्स है जो कि एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व किया गया है कई कई रेयर सिचुएशंस में, ये बहुत ही मिस्टीरियस फोर्स है। दिस ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस, अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता, डिसइंटीग्रेटिंग
न्यूक्लियस, या ऐसे कहें न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है ये। तो अब इन चार फोर्सेस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट दोस। सो वी ऑल हैव एन इंट्यूटिव नोशन ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है। इन आवर एक्सपीरियंस फोर्स इज नीडेड टू पुश, कैरी और थ्रो ऑब्जेक्ट्स। फोर्स किस लिए ज़रूरी है? किसी चीज़ को खींचने के लिए, धकाने के लिए या फेंकने के लिए। डिफॉर्म और ब्रेक दैम, डिफॉर्म मतलब पिचकाने के लिए या तोड़ने के लिए। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अस। हम अपने आप पर भी फोर्स का इम्पैक्ट महसूस करते हैं। लाइक वैन अ मूविंग ऑब्जेक्ट हिट्स अस एंड वी आर इन अ मैरी गो राउंड। जैसे मान लो किसी ने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंका तो तुम्हें एहसास होगा फोर्स का जब वो पत्थर तुमसे टकराएगा। तो या तुम ऐसे गोल गोल रानी खेल रहे हो, ऐसे गेम गोल गोल घूम रहे हो बड़े बड़े सर्कल में, तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होता है बाहर की साइड। या तुम ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन टर्न ले रही है, या प्लेन में बैठे हो प्लेन टर्न ले रहा है, या अपनी साइकिल से जा रहे हो साइकिल को गोल गोल घुमा रहे हो, तो एक महसूस होता है कुछ फोर्स। तो फोर्स तुम्हें महसूस होता है, ठीक है। सो गोइंग फ्रॉम दिस इंट्यूटिव नोशन टू द प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज नॉट अ ट्रिवियल मैटर। अर्ली थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल हैज रॉन्ग आइडियाज अबाउट इट, ठीक है। तो एरिस्टोटल को इसके बारे में गलत सलत पता था। द करेक्ट नोशन वॉज फॉर फोर्स वॉज अराइव्ड एट बाय आइज़ैक न्यूटन इन हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन। तो सही तरीके से आइज़ैक न्यूटन ने दुनिया को बताया उसकी बुक लॉज ऑफ मोशन में। ही ऑल्सो ने उसकी बुक नहीं, उसके लॉज ऑफ मोशन के फिनोमिन में। सर बुक का नाम तो कुछ और था। हाँ अक्षत, सर सब भग गए। क्या तुम अकेले ही हो? हाँ। कब से? पता नहीं सर, मैं तो सुन रहा था अभी, देखा तीन ही है। मेरे को लगा एक और होगा। नहीं, आपका रिप्रेजेंटेशन है, आप और मैं हूँ बस। अच्छा चल, इतना और ख़त्म करते हैं इसको यहाँ तक, थोड़ा सा फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यस सर। ठीक है। तो ही ऑल्सो गेव एन एक्सप्लिसिट फॉर्म फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो फिर उसने एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी बताया इसको। सो वी शैल लर्न दीज मैटर्स इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स वी एनकाउंटर सेवरल काइंड ऑफ मैटर्स। हम मतलब हम अपने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ग्रेविटेशन के अलावा कुछ इस टाइप के फोर्स भी देखते हैं। मस्कुलर फोर्स, जैसे मस्कुलर फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स अलग अलग है, क्योंकि जैसे वैक्यूम में चले जाओ स्पेस में तब भी तो मस्कुलर फोर्स तो है, तभी तो तुम्हारे शरीर को वो उसको करके रखा हुआ है एकदम कैद। कॉन्टैक्ट फोर्सेज बिटवीन बॉडीज, फ्रिक्शन विच इज़ ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग्स एंड टॉट स्ट्रिंग्स एंड रोप्स। द फोर्सेज ऑन बॉयंसी एंड विस्कस फोर्सेज व्हेन सॉलिड्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड्स। द फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, द फोर्स टू द सर्फेस टेंशन ऑफ अ फ्लूइड लिक्विड एंड सो ऑन। देयर आर ऑल्सो फोर्सेज इन्वॉल्विंग चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। तो ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कुछ इस टाइप के फोर्सेज भी हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है। वो कौन कौन से फोर्स हैं? मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज जैसे फ्रिक्शन हो गया, या पैरेलल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, उस फ्रिक्शन को ये भी बोल सकते हैं। द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग्स इन द टॉट स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग लगाई है तो फोर्स लगता है कुछ। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब केवल सिंपल रस्सी, उसमें टेंशन डेवलप होती है कुछ। द फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंस जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर डाल दिया तो उस पर बॉयंट फोर्स लगता है। ये सब ग्रेविटेशन नहीं है, ये कुछ और ही है ना। व्हेन सॉलिड्स आर इन कॉन्टेक्ट विद फ्लूइड, द फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड के प्रेशर के लगने से फोर्स लगता है। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड एंड सो ऑन। देयर आर ऑल्सो फोर्सेज इन्वॉल्विंग चार्ज्ड एंड मैग्नेटिक बॉडीज। तो कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज़ की वजह से चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्लस माइनस है या क्या। तो ये तो ग्रेविटेशन नहीं है, कुछ और है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है अभी पता चलेगा. सो इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन अगेन वी हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज इन्वॉल्विंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज एक्सेट्रा. वी शैल गेट फैमिलियर विद सम ऑफ दिस फोर्सेज इन लेटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स. तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया जो मास पे डिपेंड करता है, बल्क ऑफ द मैटर पे. ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होते हैं जो चार्जेस की वजह से होते हैं, और कुछ न्यूक्लियर फोर्स भी होते हैं जो और अंदर न्यूक्लियस की वजह से लगते हैं. तो यहीं तक करते हैं आज, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, बाय बाय. बाय सर.